CAIIB एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे हम 3 महीने में, ये फुल स्ट्रेटजी फुल प्लान मैं आपके साथ लेके आया हूं दोस्तों। सो जो लोग CAIIB एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, यानी जिन लोगों ने या जिन कैंडिडेट्स ने अभी हाल ही में 2023 या लास्ट एग्जाम में JAIIB का एग्जाम क्वालिफाई किया है और CAIIB की तरफ जो देख रहे हैं, जिनका टारगेट है CAIIB या जिन्होंने CAIIB एग्जाम को अभी हाल ही में दिया था और किसी ना किसी कारणवश उनका जो एग्जाम है वो क्वालिफाई नहीं हो पाया, सो उनके लिए एक फुल स्ट्रेटजी फुल प्लान। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, तो हमारा जो ये सेशन है वहां पे अगर हम देखें तो CAIIB एग्जाम के रिगार्डिंग हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिन क्वेश्चंस का आंसर हमें ढूंढना होता है। सो पहला क्वेश्चन जैसे विच इलेक्टिव पेपर इज मोस्ट इजी एंड मोस्ट डिफिकल्ट, यानी हमें कौन सा इलेक्टिव पेपर चूज करना चाहिए जिसे हम आसानी से क्वालिफाई कर दें, तो इसका भी आंसर हम आपको देंगे, है ना। विच सब्जेक्ट इज एन इंपॉर्टेंट रोल, यानी अगर हमारे कंपल्सरी पेपर के बारे में हम बात करें तो कौन सा पेपर है जिसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, किसकी तरफ हमें ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, जिसकी तरफ हम थोड़ा कम फोकस करेंगे तो भी काम चल जाएगा, इसका भी आंसर देंगे। और हाउ वी स्टार्ट प्रिपरेशन टू क्वालिफाई CAIIB एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट, और हम कैसे अपने CAIIB एग्जाम को पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये इतने सारे प्रश्न, और भी बहुत सारे प्रश्न होते हैं, CAIIB एग्जाम कौन दे सकता है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, बहुत कुछ है दोस्तों, लेकिन जो मेन है ये सभी बेनिफिट्स जो भी हम इनका लाभ उठाएंगे वो तभी उठा पाएंगे जब हम CAIIB सर्टिफाइड हो जाएंगे। तो अगर हम बात करें दोस्तों CAIIB एग्जाम ऑल पेपर्स, जहां पर हम पेपर की बात करेंगे बिल्कुल इजी है, पेपर को समझना, एग्जाम इजी नहीं है बट पेपर के बारे में समझना बिल्कुल आसान है। जैसे आपने JAIIB एग्जाम में 4 पेपर अटेम्प्ट किए 2023 में, रिवाइज सिलेबस ऑफ IIBF, इसी प्रकार IIBF ने अपना CAIIB का भी सिलेबस रिवाइज किया है साथ ही साथ। सो CAIIB में आपको 4 नहीं टोटल 5 पेपर में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा दोस्तों, और ये जो 5 पेपर हैं उनका जो मतलब तरीका है वो क्या है कि 4 पेपर हमारे कंपलसरी पेपर होंगे, 4 पेपर हमारे कंपलसरी पेपर होंगे और 1 पेपर हमें इलेक्टिव पेपर चुनना होगा। सो 4 हमारे कंपलसरी पेपर है और 1 इलेक्टिव पेपर चुनना है। कंपलसरी पेपर की बात करें तो हमें टारगेट मतलब हमें जिन पेपर्स का सामना करना पड़ेगा, पेपर 1 एडवांस बैंक मैनेजमेंट, पेपर 2 हमारा है बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी BFM, पेपर नंबर 3 है ABFM यानी एडवांस बैंक बिजनेस और फाइनेंस मैनेजमेंट, और पेपर नंबर 4 है बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉ। ये 4 पेपर हमारे कंपलसरी पेपर है और हर एक पेपर में हमें दोस्तों 50 मार्क्स लेके आने हैं। कितने मार्क्स लेके आने हैं? मिनिमम 50। अगर हमें ईच सब्जेक्ट क्वालिफाई करना है तो हमारे कितने मार्क्स आने चाहिए? 50 मार्क्स आने चाहिए आउट ऑफ 100, ठीक है दोस्तों। तो 50 मार्क्स कैसे आएंगे ये स्ट्रेटजी भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अभी थोड़ी देर में। तो ये हमारे 4 कंपलसरी पेपर होंगे दोस्तों, और 4 कंपलसरी पेपर की अगर हम बात करें तो यहां पे जो डिफिकल्टी ऑर्डर, जैसा कि कैंडिडेट्स हमारे साथ शेयर करते हैं अपने मतलब जो भी उन्होंने जिन चीजों का सामना किया, साथ ही साथ हमारा जो इतने दिनों से पढ़ाने का एक्सपीरियंस है उसके आधार पे अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट लगता है कैंडिडेट्स को वो लगता है BFM। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो BFM पे सबसे ज्यादा फोकस आपको कैंडिडेट्स का देखने को मिलेगा, BFM का एग्जाम, बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फिर इसके बाद अगर थोड़ा सा और मतलब थोड़ा कम लेकिन मैक्सिमम पे हम बात करें तो ABFM एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट थोड़ा सा स्टैंडर्ड पेपर होता है तो इस पे भी आपको नजर रखनी पड़ेगी। पेपर नंबर 3 ABM एडवांस बैंक मैनेजमेंट, जहां पर आपके सामने HRM मिलेगा, क्रेडिट मैनेजमेंट मिलेगा, कंप्लायंसेस मिलेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल A यानी मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में भी कौन सी मैथमेटिक्स? स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी, तो सांख्यिकी पर बेस्ड यानी जो बिजनेस मैथमेटिक्स है उसको यहां पे पढ़ना होता है। तो इनके फॉर्मूलास न्यूमेरिकल्स जो होते हैं या जो केस स्टडीज है उनको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन जो ऊपर के 2 पेपर है उनसे थोड़ा सा स्तर नीचे रहेगा, आसानी से आप कर पाएंगे। और जो कि BRBL है ना, बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉ, यहां पे आपके कंसेप्ट्स होंगे जिनको आप आसानी समझ पाएंगे, क्योंकि आपकी अगर बात करें बैंकिंग रेगुलेशंस की बात हो रही है, आप बैंक में काम कर रहे हैं और बैंक में दिन पे दिन आपको जिन चीजों का सामना करना पड़ता है उसमें मैक्सिमम चीजें, तो थोड़ा सा बस कैंडिडेट्स के जो विचार हमें मिले उस आधार पर हमने जो क्रम दिया वो ये क्रम दिया है डिफिकल्टी ऑर्डर का। तो अब देखिए आपके पास अगर हम तैयारी की बात करें तो हमारा सिलेबस की अगर हम बात
करें तो सबसे पहले जो हमारा एडवांस बैंक मैनेजमेंट है यहां पे हमें 32 यूनिट्स को कवर करना होगा दोस्तों। वहीं पे अगर हम बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें BFM 31 यूनिट्स को कवर करना है, ABFM में हमें 25 यूनिट कवर करनी है और BRBL में 34 यूनिट कवर करनी है। तो यूनिट बहुत सारी हैं और 2023 के पेपर में हमें क्या देखने को मिला है कि जो IIBF ने पेपर सेट किया वो मैकमिलन बेस्ड पेपर था पूरा, चूंकि मैकमिलन की ही किताबें हम लोग पढ़ते भी हैं अपने एग्जाम में। सो हमें थ्योरी बेस्ड बीच में से यूनिट के लास्ट में, लास्ट के जो दो या तीन पेज हैं उनमें से क्वेश्चन आपको देखने को ज्यादा मिले, तो हमें एक एक कंसेप्ट को ध्यान से देखना पड़ेगा अपने मैकमिलन की बुक से, ठीक है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन वहां से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सो ये आपका एक सिलेबस है। अब इतना बड़ा सिलेबस हम कैसे कवर कर लेंगे, जैसे मैंने अपने थंबनेल पे लिखा है कि 3 महीने में हम अपनी तैयारी करेंगे। सो 3 महीने में तैयारी की जा सकती है ऐसा नहीं है, क्योंकि लास्ट 2023 के एग्जाम में बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया है और उन्होंने 2.5 से 3 महीने के अंदर ही किया है। सो वो किस आधार पे, देखिए सिंपल है, अगर आप डेली अगर आप CAIIB की तैयारी कर रहे हैं और डेली अगर आप 3 आवर्स प्रोवाइड कर रहे हैं अपने प्रिपरेशन को, 3 आवर्स डेली अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्तों, तो आपके लिए आसान होगा। जबकि आपके पास एक और समय होता है जिसे हम वीकेंड कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, वीकेंड कहते हैं, और जब वीकेंड की हम बात करते हैं तो वीकेंड पे आप कवर कर सकते हैं 4 to 5 आवर्स, ठीक है दोस्तों। अब ये अगर आप स्ट्रेटजी को यूज करते हैं, टाइम तो देना ही पड़ेगा क्योंकि सिलेबस बड़ा है, तो टाइम तो देना ही पड़ेगा, तो आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। सो ये एक थोड़ा सा बड़ा सिलेबस है, CAIIB JIIB की तरह उतना आसान नहीं है, बट उतना डिफिकल्ट भी नहीं है कि क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने एक अटेम्प्ट में अपने एग्जाम को क्वालिफाई किया है CAIIB के एग्जाम को। अब आ जाते हैं, ये 4 पेपर तो हमने समझ लिए, इसके बाद हमारा जो 5वां पेपर होगा वो किसके ऊपर होगा, इलेक्टिव पेपर, और इलेक्टिव पेपर में हमें एक पेपर को ही चुनना होगा। अब वो एक पेपर चाहे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से आप चुन लें, चाहे आप रूरल बैंकिंग अटेम्प्ट कर सकते हैं, सेंट्रल बैंकिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या रिस्क मैनेजमेंट, इनमें से कोई भी पेपर आप अपने लिए चुन सकते हैं, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बशर्ते आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब वो चीजें कौन सी हैं, अगर मैं पेपर वाइज बात करूं आपसे, तो आप चुनना आप ही को है, आपकी स्ट्रेटजी होगी, बट मैं आपको उस एग्जाम के बारे में ये बता पाऊंगा कि क्या होता है उस एग्जाम के पीछे की कहानी। तो अगर हम HRM की बात करें, HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, आपको इसमें 5 मॉड्यूल कवर करने होंगे इलेक्टिव पेपर में, जिसमें से आपके 2 मॉड्यूल लगभग कवर हो जाते हैं आपके कंपलसरी पेपर में ABM में, किसमें दोस्तों, ABM में कवर हो जाएगा और ABFM में कवर हो जाएगा एक मॉड्यूल। सो आपके 2 मॉड्यूल तो यहां कंपलसरी पेपर में कवर हो जाएंगे, और स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है, ये कैसा सब्जेक्ट माना जाता है दोस्तों, स्कोरिंग सब्जेक्ट। अब स्कोरिंग सब्जेक्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट HRM में पार्टिसिपेट करते हैं, मैक्सिमम कैंडिडेट HRM में पार्टिसिपेट करते हैं और वो अपने एग्जाम को क्वालिफाई भी कर लेते हैं। तो अगर हम इनके लाभ की बात करें, HRM में हम किन किन चीजों का यूज कर, मतलब क्या क्या हमारे प्रो होते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले ओवरलैप कंटेंट आपको मिलेगा कंपलसरी सब्जेक्ट के साथ, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, धड़ाधड़ आंसर लगते भी जाते हैं और क्वालिफाई होना भी आसान होता है। एक यहां पे थोड़ी सी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि थ्योरेटिकल पेपर होता है ना, तो उस थ्योरेटिकल कंसेप्ट में थोड़ा आपको पढ़ना ज्यादा पड़ेगा, साथ ही साथ ये आपकी फीलिंग से भी जुड़ा है, यू आर अ एम्प्लॉई ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी एक विशेष ऑर्गेनाइजेशन के आप एम्प्लॉई हैं, तो जो HR की पॉलिसीज है, जो HR के ड्यूटीज है, जो HR की वर्किंग है, वो सबका सामना भी आपको समय समय पर होता रहता है, तो आप इस पेपर को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। फिर आ जाता है रूरल बैंकिंग पेपर, दूसरा जो एक और आप चुन सकते हैं, यहां पे आपको फैक्ट बेस जर्नल अवेयरनेस कह सकते हैं, जनरल अवेयरनेस बेस क्वेश्चन आपको मिलते हैं, इकोनॉमी के ऊपर बेस्ड मिलेंगे, है ना, GNP क्या है, GDP कितना है, ये नंबर्स में बात होगी, तो ये फैक्ट बेस्ड पेपर होता है दोस्तों। कैसा होता है, फैक्ट बेस, और कुछ टॉपिक यहां पे ओवरलैप होते हैं लेकिन पूरे नहीं होते, हाँ यहां पे न्यूमेरिकल्स भी आपसे पूछे जाते हैं, और यहां पे आपको 4 मॉड्यूल कवर करने पड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर रूरल बैंकिंग की तैयारी करेंगे तो आपको 4 मॉड्यूल यहां पे कवर करने पड़ेंगे, सो थोड़ा सा वास्ट सिलेबस होता है ना, गवर्नमेंट की पॉलिसीज,
भी यहाँ पे देखने को मिलेंगी, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, कौन कौन सी फसल के बारे में आपको बताना पड़ेगा, सॉइल के बारे में, तो थोड़ा सा आपको विशेष नॉलेज रखनी पड़ेगी। बट जिनके पास एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है उनके लिए थोड़ा सा आसान हो सकता है, ठीक है दोस्तों। थर्ड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब देखिए ये सरल भी है और कठिन भी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी ITDB जो पेपर है वहां पे अगर हम बात करें तो जिनका बैकग्राउंड आईटी है या जो कंप्यूटर्स के बैकग्राउंड से आते हैं उनके लिए तो कंपलसरी है कि उनको यही पेपर सिलेक्ट करना चाहिए और उनके लिए आसान भी होगा। आसान होने के साथ साथ इसका जो सिलेबस है वो थोड़ा सा कंसाइज है, छोटा है, ठीक है दोस्तों। बट जो नॉन आईटी बैकग्राउंड के हैं और अगर वो धोखे से आईटी चुन लेते हैं तो उनके लिए बहुत कठिन होने वाला है, क्योंकि उनको हर एक चीज को समझना पड़ेगा। तो मैंने यहां साफ लिखा है डिफिकल्ट फॉर नॉन आईटी कैंडिडेट्स और इजी फॉर आईटी कैंडिडेट्स, और उनके लिए जो आईटी कैंडिडेट्स हैं स्कोरिंग सब्जेक्ट है ITDB, ठीक है दोस्तों। सो ये तीसरा सब्जेक्ट हो गया। चौथा, सेंट्रल बैंकिंग पे आ जाते हैं। सेंट्रल बैंकिंग की बात करेंगे, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कोई भी कंटेंट या ओवरलैप नहीं है कंपलसरी पेपर के साथ। सो सीधे-सीधे आपको इनके सभी मॉड्यूल्स को कवर करना पड़ेगा। आरबीआई की पॉलिसीज होंगी, है ना, जीडीपी जीएनपी के न्यूमेरिकल्स होंगे, सब कुछ यहां पे आपको देखने को मिलता है, ठीक। साथ में आता है रिस्क मैनेजमेंट। ये एक ऐसा पेपर है जो आपको BFM के मॉड्यूल बी से ओवरलैप यूनिट मॉड्यूल मिलेगा, बट पूरा न्यूमेरिकल बेस है। जैसे BFM न्यूमेरिकल बेस है, ऐसे ही रिस्क मैनेजमेंट में न्यूमेरिकल बेस पेपर है। जिनके न्यूमेरिकल्स अच्छे हैं, जिनके लिए BFM आसान था, जिनके लिए बिजनेस से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो क्लियर हैं, वो रिस्क मैनेजमेंट दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब ये पांच सब्जेक्ट हैं, इनमें से आप चुन सकते हैं आप किस में कंफर्टेबल है, ठीक है। सो यहां पे ऐसा नहीं कि मैंने कहा HR बहुत सारे लोग क्वालिफाई करते, तो जरूरी नहीं। शायद किसी का रूरल बैंकिंग अच्छा हो, किसी का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, किसी का सेंट्रल बैंकिंग, किसी का, तो ये चुनना आपको है। एक बार आप पहले सिलेबस देखिए दोस्तों, मेरा तो यही कहना है, उसके बाद आप चुन लीजिए। और अब फिर मैं कहूंगा सबसे ज्यादा कैंडिडेट जो पार्टिसिपेट करते हैं वो किस में करते हैं, HRM में। किस में करते हैं दोस्तों, HRM में सबसे ज्यादा कैंडिडेट देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें तो स्ट्रेटजी टू फॉलो। अब स्ट्रेटजी में क्या क्या फॉलो करना है, देखिए आपके पास टोटल 4 कंपलसरी पेपर हैं। कितने कंपलसरी पेपर हैं, 4। पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4, ठीक है दोस्तों। जहां पे मैंने बताया कि जो आपका BFM है सेकंड पेपर, ये आपको मैंने नंबर 1 पे रखा है कंप्लीट करने के लिए, और फिर ABFM को मैंने रखा है, ठीक है। जो ABFM आपका पेपर है, है ना, ABFM है, ABFM को मैंने रखा है किसके लिए दोस्तों, कि आप नंबर 2 पे प्रिपरेशन के लिए, और नंबर 3 मतलब ABM को रखा है नंबर 3 पे प्रिपरेशन के लिए। तो ये जो 3 पेपर है ये आपके मोस्ट मतलब इंपॉर्टेंट, BRBL भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है, BRBL भी है। तो आप इनमें से कोई एक सब्जेक्ट जो भी आपको लगता है उस सब्जेक्ट को आप एग्जाम के टाइम, जैसे अभी कौन सा मंथ चल रहा है, अभी जनवरी चल रहा है, तो फरवरी आपको मिलेगा, मार्च आपको मिलेगा, अप्रैल आपको मिलेगा और मई आपको मिलेगा, ये 4 महीने मिलेंगे। तो 4 महीने अगर आप सब्जेक्ट ही पढ़ते रहे तो आप प्रैक्टिस कब करेंगे, ठीक। तो आपको अपने अकॉर्डिंग, देखिए आपको अपने अकॉर्डिंग ऐसे एक मतलब चार्ट बनाना है जहां पे आप अपने 3 पेपर कोई भी कंप्लीट कर लें, और एक पेपर मई मतलब अप्रैल मिड से मई के बीच में कॉम्बिनेशन रखेंगे इलेक्टिव पेपर के साथ, दोनों पेपर को आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो आप कोई भी 3 चुन सकते हैं, कोई भी 3 चुन सकते हैं, ऐसा नहीं है, चारों पेपर में कोई भी 3 आप चुन सकते हैं, जो भी आपको क्रम देना है आप दे सकते हैं। सो आपके पास टोटल 4 महीने हैं, जिसमें 1 महीना फुल प्रैक्टिस के लिए और इलेक्टिव सब्जेक्ट के लिए आपको बचा के रखना है। 3 महीने में हमें ये 4 पेपर कंप्लीट करने हैं, और इसके लिए डेली 2 से 3 घंटा और 5 घंटा आपको वीकेंड पे प्रोवाइड करना पड़ेगा, आराम से आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। अब देखिए जब भी आप सिलेबस कवर करेंगे तो सिलेबस कवर करते समय हाउ वी कवर कंप्लीट सिलेबस, तो कंप्लीट सिलेबस जब भी आप कवर करोगे सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, कंसेप्ट इज पावर। आपकी पावर क्या है दोस्तों, कंसेप्ट। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है देन धड़ाधड़ आप न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं, केस स्टडीज भी लगा सकते हैं, और आप साथ ही साथ जो MCQs क्वेश्चन उनको भी टिक कर सकते हैं। तो और कंसेप्ट के लिए आपको क्या करना होगा, कंसेप्ट के लिए आगे मैं पहला केस कंसेप्ट के लिए क्या करना है मैं अभी बताऊंगा इसी के बाद। दूसरा होता है जो भी आपने पढ़ा उसके ऊपर बेस्ड MCQs और केस स्टडीज आपके सॉल्व होने चाहिए हर एक यूनिट के
मतलब आपको न्यूमेरिकल्स भी पता होने चाहिए, और न्यूमेरिकल्स पता होंगे तो न्यूमेरिकल में एक अच्छी बात होती है, पूरे नंबर तुरंत मिलते हैं। अगर थोड़ा भी आपने सही कर लिया, मतलब आपने टिक लगा लिया, कैलकुलेशन कर ली, फॉर्मूला याद है, तो सीधे सीधे नंबर मिलते हैं न्यूमेरिकल में। तो आपका जो पेपर है वो तीन चीजों से मिलकर बनेगा। सबसे पहले आपके पास जो पावर होगी वो कंसेप्ट की होगी। अगर कंसेप्ट आपके स्ट्रांग है, कंसेप्ट, तो आप इनकी प्रैक्टिस भी आप करते जाएंगे। क्या करते जाएंगे? प्रैक्टिस करते जाएंगे दोस्तों, और प्रैक्टिस में आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे, आपको केस स्टडीज भी तैयार करनी है। केस स्टडीज आपको सीधे 5 नंबर देती है, और साथ ही साथ आपको न्यूमेरिकल भी तैयार करने हैं, क्योंकि बहुत सारी केस स्टडी जो बेस क्वेश्चन होते हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड भी होते हैं, ठीक है। और आपको इस बार ये भी कहा है आईबीएफ ने कि किसी भी, मतलब एक तरीके का क्वेश्चन और आएगा जहां पर ऑप्शन नहीं होंगे, सीधे आपको सॉल्व करके आंसर बताना होगा, ठीक है। सो वो भी याद रखना है आपको, ठीक है। अब देखिए यहां पे अगर हम बात करें तो सक्सेस पाथ क्या होगा। सक्सेस पाथ अगर आप देखोगे, बिल्कुल आसानी से आप इस पाथ पे अगर चलेंगे तो यू कैन, मतलब 100% प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है कि आप अचीव कर पाए अपने सक्सेस को। सबसे पहला, कवर ऑल सब्जेक्ट्स यूनिट वाइज। जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके, 4 सब्जेक्ट हैं कंपल्सरी प्लस 1 इलेक्टिव सब्जेक्ट, आपको सभी सब्जेक्ट को कवर करना है यूनिट वाइज, आपको पूरे यूनिट वाइज पढ़ना है, क्योंकि यूनिट में से क्वेश्चन आपको आईआईबीएफ ने इस बार एग्जाम में दिए हैं, ठीक है। फिर जब भी आप यूनिट तैयार करेंगे उसमें मैक्सिमम जो भी एमसीक्यूज हैं, जो भी बन पा रहे हैं एमसीक्यूज, जितने भी आप लगा पा रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस आपको करनी है दोस्तों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कलेक्टेड क्वेश्चन, रिकलेक्टेड क्वेश्चन जिसे कहते हैं। अब देखिए रिकलेक्टेड क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने का फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा है पेपर का पैटर्न आपको पता चल जाएगा कि पेपर कैसा आने वाला है। साथ ही साथ आप अपनी पूरी तैयारी को किस पे जांचेंगे? अपने मॉक टेस्ट पे। किस पे जांचेंगे दोस्तों? मॉक टेस्ट पे। इस मॉक टेस्ट में आपको एमसीक्यूज भी मिलते हैं, केस स्टडीज भी मिलती है, न्यूमेरिकल्स भी मिलते हैं। तो इन सभी चीजों को अगर आप कर रहे हैं, इस स्टेप बाय स्टेप अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आप अपने सक्सेस की तरफ चले जाएंगे। इफेक्टिव प्रिपरेशन यही कहती है कि आपकी थ्योरी और कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, उनके ऊपर यूनिट वाइज एमसीक्यूज आपको पता होने चाहिए। इसके बाद आप जब रिवीजन करेंगे तो आपके मॉक टेस्ट यहां पर इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। क्या दोस्तों? मॉक टेस्ट। क्या करता है? मॉक टेस्ट यानी एग्जाम के पहले एग्जाम जैसी प्रिपरेशन। और इस मॉक टेस्ट की रेंज आप कैसे सेट करेंगे वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये थी एक स्ट्रेटजी जहां पे आप 3 महीने के अंदर अपनी तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। सब्जेक्ट को वरीयता देनी है यानी ज्यादा फोकस करना है उन सब्जेक्ट पे जो डिफिकल्ट है, थोड़ा सा कम हम फोकस देंगे, मतलब देना तो है ही लेकिन थोड़ा सा कम अगर रह जाता है तो उस सब्जेक्ट को देंगे जहां पे हमें ज्यादा डिफिकल्टीज का सामना नहीं करना पड़ता। सो आपको 3 महीने आराम से तैयारी करनी है। अब अगर आपको कंसेप्ट की तैयारी करनी है, आपको एमसीक्यूज की तैयारी करनी है, तो आप हमारे साथ CAIB फाउंडेशन बैच में जुड़ सकते हैं दोस्तों, जो कि जून जुलाई 2024 के एग्जाम को टारगेट कर रहा है। साथ ही साथ यहां पर आपके लिए महापैक भी है। अगर आप CAIB महापैक में हमारे साथ जुड़ते हैं दोस्तों तो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन होता है। जितने भी बैच हमारे आएंगे वो सभी बैच इसमें इंक्लूड होंगे यानी ऑल कोर्सेस। साथ ही साथ आपको यूनिट वाइज DPPs मिलेंगी जहां से आप यूनिट वाइज एमसीक्यूज आप सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों। और थ्योरी यूनिट, हर एक यूनिट की थ्योरी कंसेप्ट को आप तैयार कर पाएंगे किससे? हमारे बैच से, ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ आपकी प्रिपरेशन की जो रेंज होगी वो रेंज किसके थ्रू मिलेगी दोस्तों? मॉक टेस्ट के थ्रू। और आपके जो भी कंसेप्ट हमने पढ़ाए उनको आपको हम ई बुक्स के फॉर्म में मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे। सो अभी लीस्ट कॉस्ट में हम आपको महापैक प्रोवाइड कर रहे हैं। 17 जनवरी से हमारे महापैक का दाम या प्राइस जो इंक्रीज होने वाला है दोस्तों, सो उसके पहले आप हमारे महापैक से जुड़ सकते हैं। और आप प्रिपरेशन में हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसके थ्रू आप अपनी क्वेरीज हमसे पूछ पाएंगे और आप, मतलब क्वेरीज पूछ पाएंगे और आप अपनी प्रिपरेशन में, मतलब जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपको डिस्कशन करना है, वो सब आप हमसे डिस्कस कर पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।